अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज आपका भाई आ गया है जूहू चौपाटी मिनी व्लॉग लेके। तो आज मैं जूहू चौपाटी पे क्या करने वाला हूँ सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ भाई, हम दोस्त यार सब लोग आ जाते हैं जूहू चौपाटी और ये रही हमारी बाइक और यहाँ पे अयूब भाई, फिर यहाँ पे हम लोग बिस्तर बिछा के किनारे साइड में बैठ जाते हैं, सरताज भी आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं भाई पिकनिक वाला माहौल बनाया जाए, फिर हमारे घर का ओड़ा पाव निकलता है, ओड़ा पाव फिर उसके बाद हम लोग बना के खाते हैं, भैया दिया जाता है सरताज को दिया जाता है, फिर उसके बाद अयूब भाई को दिया जाता है, देन उसके बाद भाई मैं भी खाता हूँ। और मैं तो कहता हूँ भाई जब भी कहीं बीच वगैरह पे जाएं तो ऐसे घर से बनवा के ले जाएं, काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा रेस्टोरेंट वाला फील आता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ का चाउमीन निकलता है जो कि काफ़ी लाजवाब देखने में लगता है, और भाई क्यों नहीं लगेगा घर से इतना मेहनत से जो बन के आया है। फिर हम लोग मेयोनीज चटनी के साथ अपना चाउमीन वगैरह इंजॉय लेते हुए खाते हैं, बीच का भी फुल मज़ा लेते हुए, फिर उसके बाद चलते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये मज़ा आ गया भाई दोस्तों। फिर उसके बाद हमारे यहाँ का गुलाब जामुन, भाई मेरा घर नहीं पूरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी फेल है मेरे घर से भाई। फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट की तरह एकदम मज़ा लेते हुए गुलाब जामुन भी खाते हैं और वो भी काफ़ी लाजवाब निकलता है। फिर हमें लग जाता है भाई पानी प्याज खट्टा मीठा सब खा के फिर मैं पानी लेने चला जाता हूँ। फिर देखता हूँ कि भाई यार ये युवा दोबारा चढ़ रहा है, ये दोबारा खाने लगता है, इतना पिटा है भाई क्या बताऊँ, ये दोबारा खाता है। फिर मैं पानी पी के हम लोग चल देते हैं कि चलो भाई अब बीच का सैर करके आते हैं। तो फिर मिल जाता है भाई रिजवान, ये भी हमारे मोहल्ले का है भाई, तो फिर हम लोग चल देते हैं कि भाई चलो एंजॉय करके आते हैं मुंबई के बीच पे, अगर जुहू बीच पे ना है तो फिर बेकार है। फिर वहाँ पे हम लोग जाते हैं थोड़ा रील वगैरह बनाते हैं, जैसा कि देख सकते हो मैं कैसे चल रहा हूँ, देखो स्लोमो चलने लगा मैं। फिर यहाँ पे मैं रील वगैरह बनाता हूँ और मेरे दोस्त यार सब लोग रील बनाते हैं, अच्छा लगता है मज़ा आता है भाई बीच पे, और रील ना बनाऊँ तो फिर क्या मज़ा है भी इसमें। मैं जब रील पे डालूंगा तो कुछ बढ़िया सा सॉन्ग डाल दूंगा जिससे कि अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद सोचते हैं भाई ज़्यादा अभी घूम लेते हैं, फिर हम लोग फिर सोचते हैं कि चलो अब चाय वाय पी लेते हैं, तो वो भी हमारे घर से चाय भी बन के आ जाता है भाई में रहता है, तो वहाँ पे हम लोग चाय भी पी लेते हैं, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी गर्म चाय थी, मज़ा आ गया था। फिर यहाँ भी मज़ा लेते हुए चाय भी पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई एरोप्लेन, कितनी एरोप्लेन उड़ के जाती है यहाँ से कि आप पूछो मत, मतलब कि हर 60 सेकंड पे एक ना एक प्लेन उड़ते ही जाती है। फिर देखते हैं साहिल कुछ ज़्यादा मिट्टी के साथ मस्ती करते हुए, फिर यहाँ देखता हूँ कि भाई ये क्या इनायत भी आ चुकी है और ये मेरी खाला की लड़की है, तो यहाँ पे ये जो जिसान बताते हैं कि लड़कियाँ ऐसे पोज करती हैं, देख रो कैसे पोज करती हैं लड़कियाँ बताते हैं, ये भाई गुलाब जामुन का ये भी मज़ा ले लेते हैं। फिर हम लोग चल देते हैं घर पर और ये आप देख सकते हो काफ़ी लाजवाब नज़ारा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बीच पर घूम लिए तो ज़रूर आना।